ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है मेरा प्रिय खेल पर निबंध या क्रिकेट पर निबंध। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार कोश को जरूर सब्सक्राइब करें। खेल कई प्रकार के होते हैं। कक्ष के भीतर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर गेम्स कहा जाता है, जबकि मैदान पर खेले जाने वाले खेल आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के खेल व्यायाम के महत्वपूर्ण अंग हैं, अतः अपनी रुचि में शारीरिक क्षमता के अनुकूल ही खेलों का चयन करना चाहिए। खेल कूद आज विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाने का एक उत्तम माध्यम बन गया है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। आधुनिक युग में इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। भारत में यह खेल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस खेल से लोगों को अद्भुत लगाव है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नवयुवक, सभी इसके दीवाने हैं। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह खेल नियमानुसार सर्वप्रथम 1850 में गिलफोर्ड नामक विद्यालय में खेला गया था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में खेला गया था। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध सन 1932 में खेला था। टेस्ट मैच 5 दिनों का होता है, जो 2 पारियों में खेला जाता है। टेस्ट मैच के अलावा यह खेल 4 दिवसीय, 3 दिवसीय, 1 दिवसीय भी होता है। आजकल 1 दिवसीय क्रिकेट मैच तथा 2020 मैच अधिक लोकप्रिय हो गया है। 2020 मैच 3-4 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। क्रिकेट का खेल बड़े से अंडाकार मैदान में खेला जाता है। मैदान के मध्य में स्थित पिच या विकेट स्थल इस खेल का केंद्र बिंदु होता है। पिच के दोनों तरफ बराबर दूरी पर 3 डंडे गाड़ दिए जाते हैं, जिन्हें विकेट कहते हैं। इस खेल में 2 टीमें होती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल आरंभ होने पर एक टीम के खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं तथा दूसरी टीम के खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण करते हैं। जीत हार का फैसला रनों के आधार पर होता है। खेल के निर्णायक को अंपायर कहा जाता है, जो खेल के दौरान विकेटों के पीछे खड़ा होता है। आरंभ में क्रिकेट को राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य लोगों का खेल कहा जाता था। वे अपने मन बहलाव के लिए यह खेल खेला करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया, परंतु हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी लोकप्रिय होता चला गया। इस खेल में समय और धन अधिक लगता है, फिर भी आज यह शहरों से लेकर गांवों तक प्रसिद्धि पा चुका है। इसकी लोकप्रियता इस बात से सिद्ध होती है कि जहां जहां भी यह खेल होता है, जन समूह मैदान की ओर उमड़ पड़ता है। अब तो क्रिकेट के खिलाड़ियों को सिने स्टार की तरह प्रसिद्धि और पैसा दोनों मिलता है। मैं भी बड़ा होकर अपने देश की टीम में खेलना चाहता हूँ। क्रिकेट मेरा शौक है, मेरा जुनून है। मैं इसमें अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। हार या जीत तो सिर्फ एक वक्त होगा, पर खेलने से आजीवन हमारा शरीर स्वस्थ होगा। थैंक यू।